प्रियंका जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। राजनीति में इसीलिए कहा जाता है कि कई बार दिल से नहीं, भावनाओं से नहीं, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। क्या जो लोग आसपास थे या खुद उद्धव ठाकरे साहब का वो फैसला, आज रिट्रोस्पेक्ट में अगर आप सोचें तो आपको लगता है कि अगर टिके रहते तो आपकी सरकार भी टिकी रहती, सरकार आपके हाथ से चली गई। आज कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम यथास्थिति इसलिए नहीं बहाल कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद रिजाइन किया। देखिए, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, पर सरकारें कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से, इलीगल माध्यम से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से अगर बनती है तो उसको उजागर करना जरूरी है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने किया है। आप ये समझिए कि एक कहानी होती थी जो हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी थी, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। एम्परर कोई कपड़े नहीं पहने होते थे, पर प्रजा को हिम्मत नहीं थी कि एम्परर को बता दें कि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने। आज सुप्रीम कोर्ट ने, वो छोटा बच्चा आकर कहता है कि हमारा एम्परर ने कोई कपड़े नहीं पहने, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो इनका जो लेजिस्लेटिव पार्टी के मुखिया बन गए एकनाथ शिंदे, वो इलीगल है। दूसरा उन्होंने कहा, जो चीफ व्हिप उन्होंने अपॉइंट किया वो इलीगल है। तीसरा उन्होंने कहा, ये सरकार का जो गवर्नर का फैसला था फ्लो टेस्ट का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जब वेकेशन बेंच पे हम गए थे स्टे लाने को, ये फ्लो टेस्ट को लेकर वेकेशन बेंच था, वेकेशन बेंच ने ये स्टे लेने को देने को मना किया था। तो नैतिकता के आधार पर, जस्ट नॉट टू बी पार्ट ऑफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अगर इलीगल विप है, इलीगल लेजिस्लेटिव पार्टी बन गई है, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, उन्होंने स्टेप डाउन किया। उसके बाद आप इलीगैलिटी देखिए ना, क्या क्या हुई है। एक सरकार बनती है, ठीक है, गवर्नर ने काम किया कि जब सरकार गिरी है दूसरे को मौका दें, पर सरकार किसकी बनती है? स्पीकर कौन जिता कर लाता है? वो इलीगल विप जारी करता है कि स्पीकर बनेंगे राहुल नार्वेकर, तो वो पूरा वोटिंग ही इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फिर हम कहते हैं कि सीएम का ओवरटर्न नहीं किया है, ट्रस्ट वोट कैसे होता है? एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट। अब आपके सारे कपड़े उतर गए और फिर भी कहें ओवरटर्न नहीं हुआ, आपके सारे क्रोनोलॉजी कह दिया है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये तो बस लिप सर्विस पे करना था। इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चल रही है, उन्होंने देश के सामने उजागर कर दिया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ इलीगल हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट सेइंग इट इन एज मेनी वर्ड्स। मैं आपको कह सकती हूं, इसके बाद हमारे, सबसे पहले तो हमारे जो विप है, इनका डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर को ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो हमारे जो विप हैं, जो भी हमारे विप के खिलाफ अब काम करेगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होगी, अदरवाइज वी विल चैलेंज दैट इन द कोर्ट टू। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इनका मुंह दिखाया है, एक थप्पड़ पड़ा है इन लोगों को और दिखाया है कि इमोरालिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इलीगैलिटी से सरकार बना तो सकते हैं, चला नहीं सकते। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। वो कह रही हैं कि शिंदे जी और फडणवीस जी की मौजूदा सरकार तो बच गई है, लेकिन नैतिकता की धुरी पर आज कोर्ट ने आपको कहां का खड़ा कर दिया? राज्यपाल से लेकर स्पीकर सबने संविधान के खिलाफ काम किया, ये हम कहा उसका है? पूरा बड़े, मैं प्रियंका जी से विनम्रता से कहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा देना संविधान के विरुद्ध था, ये इलीगल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? वास्तविकता ये था कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर, जैसे आपने अंजना जी कहा कि कभी कभी भावना में नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए, दिमाग से लिया गया निर्णय था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पर बहुमत में वो कहीं नहीं है, इसलिए आज नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जो मैदान छोड़ के चले गए। मतलब कहावत है ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चढ़े, वो स्थिति। अब दूसरा मैं टेक्निकलिटी बताता हूं, जो प्रियंका जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कि व्हिप कौन होगा, कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, परंतु संविधान के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी कौन है यह कौन तय करता है? किसको अधिकार है बताइए, किसको अधिकार है? सिर्फ चुनाव आयोग को, क्योंकि देश ने एक नहीं अनेक बार देखा है राजनीतिक दलों में जब विभाजन हुआ है तो कौन राजनीतिक दल का वास्तविक प्रतिनिधि है, यह चुनाव आयोग तय करता है। वर्तमान कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस आई के रूप में अलग हुई थी, जब देवराज अर्स और ये लोग अलग हुए थे, जगजीवन राम जी, आज तो लाइव गया था पूरी हियरिंग और पूरा जब फैसला पढ़कर सुना रहे थे चीफ जस्टिस, सब कुछ लाइव गया था, आपने सुना। उन्होंने कहा कि स्पीकर आखिर किस बिना पर उन्होंने गोगावले साहब को विप नियुक्त कर दिया और जिनका नाम उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दिया। अंदरूनी लड़ाई अगर किसी पार्टी में है तो आपने वे ही नहीं किया कि आपको विप किसके आदमी को यह करना है? अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, हाँ। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने चीज को जिस भी दृष्टि से देखा होगा, मैं कोर्ट कर रहा हूं, सुप्रीम
नहीं, मैं इस बात, मैंने तो आपसे कहा ना विनम्रता से, पॉलिटिकल पार्टी कौन है इसकी डेफिनेशन संविधान के अनुसार कौन कर सकता है? वो जो राजनीतिक दल को मान्यता देता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तय करती है ना कि आपका स्टेटस क्या होगा, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना कोई सरकार है ना कोई कोर्ट है, चुनाव आयोग मान्यता देता है, चुनाव आयोग ही तय करता है कि जैसे मैं पूरी बात होने दीजिए, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, इसमें से आईएनसी कौन बनी है चुनाव आयोग ने तय किया। याद करिए जनता दल के कितने टुकड़े हो गए, फिर ओरिजिनल जनता दल कौन है, यह चुनाव आयोग में जाके तय होता है, चुनाव आयोग में गए और साफ हो गया।